जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। इसके बाद आप सभी के मन में यही सवाल चल रहा होगा कि 10th के बाद क्या करें, क्योंकि 10th ऐसी क्लास होती है जिसे पास करने के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। यही स्ट्रीम आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में आप क्या करोगे और क्या बनोगे। बेसिकली 10th क्लास पास करने के बाद काफी कम टाइम होता है, इसलिए ज्यादातर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इसी कंफ्यूजन के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपकी ये कंफ्यूजन दूर होती रहेगी। बात सबसे पहले हम करते हैं कि आप जब क्लास 10th पास कर लोगे उसके बाद आपके मन में सबसे पहला जो सवाल आएगा कि हमें किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए और इनकी संख्या कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रीम चूज करने के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना स्ट्रीम चुनना चाहते हैं तो उस टाइम पर किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखना होता है। एक, आपका इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरी चीज, आपका सिचुएशन। सिचुएशन को आम भाषा में आप ये समझ सकते हो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि ये जो स्ट्रीम होते हैं ये आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, और उस फ्यूचर को आपको बनाने के लिए क्या वो एफिशिएंसी है ये आपका सिचुएशन डिसाइड करता है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रख के आपको स्ट्रीम चूज करना चाहिए। अब सवाल ये रहता है कि ये स्ट्रीम कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि इनकी संख्या 3 होती है। पहला होता है आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और तीसरा साइंस। यानी 10th क्लास पास करने के बाद, 10th क्लास पास करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन खुलते हैं। पहला आर्ट्स का ऑप्शन खुलता है आपके सामने। किसका ऑप्शन खुलता है? आर्ट्स का। दूसरा ऑप्शन होता है कॉमर्स का। दूसरा ऑप्शन किसका होता है? कॉमर्स का। और तीसरा ऑप्शन होता है साइंस का। किसका होता है? साइंस का। यानी 10th क्लास के बाद आपके सामने ये 3 स्ट्रीम दिखती है। इन तीनों स्ट्रीम में से आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दो बातों का ध्यान रखना होगा, आप आर्ट्स स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो और साइंस स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अपना इंटरेस्ट और अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ओके, अब इस क्लास में हम ना तो साइंस की बात करेंगे ना ही कॉमर्स की बात करेंगे, हम बेसिकली बात करेंगे आर्ट्स की। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि हमें आर्ट्स स्ट्रीम को ही क्यों ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि यदि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक लॉयर बनना चाहते हैं, सोशल सर्विसेज करना चाहते हैं आप, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपके ऐसे सपने हैं तो आपको आर्ट्स चूज करना चाहिए। आर्ट्स बेसिकली इस तरह के फील्ड को बेहतर तरीके से क्लेरिफाई करता है और आपके सपने को पूरा करने में मदद करता है। मैंने अभी क्या कहा? यदि आप आर्ट्स ऑप्ट करते हो, मैंने क्या कहा? यदि आप आर्ट्स ऑप्ट करते हो तो आप क्या क्या बन सकते हो? आप एक टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप सोशल सर्विसेज जितनी हैं यानी सर्विस सेवाएं, जैसे सामाजिक सेवाएं होती है, उनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे
आईएएस ऑफिसर के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एक अच्छे पॉलिटिशियन, यानी अगर आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो आपके टीचर बनने की संभावना बढ़ जाती है, प्रोफेसर बनने की संभावना बढ़ जाती है, सोशल सर्विसेज जो हैं वो करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आईएएस ऑफिसर के अंदर अधिकतर आर्ट्स के ही सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जीएस का जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो आर्ट्स आपको हेल्पफुल करवाता है। देन उसके बाद एक अच्छे पॉलिटिशियन की भी पहचान एक आर्ट से ही देखने को मिलती है। इस तरह से अगर आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो आपको इस तरह के फील्ड में आपको एक अच्छा अवसर मिल जाता है काम करने का। इस तरह अगर कहा जाए तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ आर्ट्स, यानी अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको इस तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि किस स्ट्रीम को हमें ऑप्ट करना चाहिए और क्यों ऑप्ट करना चाहिए, इसे नोट कर लें आप सभी। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना है और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना है। 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, इसलिए ज्यादातर बच्चों ने अपना मन बना लिया होगा कि किस स्ट्रीम को लेना है और किस स्ट्रीम को नहीं लेना है। यदि आपने आर्ट्स लेने का मन बना लिया है तो इस साल आप आर्ट्स में 11th क्लास को पढ़ोगे, यानी आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, आपका जो परिचय होगा वो 11th क्लास से होगा। अब सवाल निशान जो आपके मन में आ रहा होगा कि 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। 11th क्लास में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स की संख्या है, पढ़ने की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं तो कुछ सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं। इसके अलावा स्कूल आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें एडिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, एडिशनल होते हैं। तो इस तरह आपको 11th क्लास में क्या पढ़ना है तो जरा देखते हैं। 11th क्लास में जब आपकी एंट्री होगी, चाहे 11th क्लास चाहे वो आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो या साइंस की, सब में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे अगर देखा जाता है तो 11th क्लास में आपके चार सब्जेक्ट्स क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। चार सब्जेक्ट्स क्या होंगे, कंपलसरी, यानी चार सब्जेक्ट लेना ही लेना है आपको। ओके, चार सब्जेक्ट क्या होंगे, कंपलसरी आपके होंगे। एक सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ऑप्शनल होगा। एक सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ऑप्शनल। एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा। इस तरह अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 11th क्लास में 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे मिनिमम। सब्जेक्ट्स की आपकी संख्या मिनिमम कितनी होगी 11th क्लास में, 5 होगी। ओके, ये मिनिमम है। लेकिन अगर आप इसके अलावा एक और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट एडिशनल के तौर पे। अब ये स्कूल वाले आपको क्यों प्रोवाइड कराते हैं, क्या उनका मकसद होता है इसको प्रोवाइड कराने का? ज्यादातर स्कूल वाले अपने बच्चों को एक सब्जेक्ट एडिशनल भी देते हैं। क्या देते हैं, एडिशनल भी देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, उनके इसके पीछे उनका क्या मकसद होता है? ऐसा मकसद इसलिए होता है क्योंकि 11th क्लास में आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। कई बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, वो एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आप मार्क्स लेकर अप टू द मार्क नहीं लेकर आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको पास माना जाएगा, क्योंकि
क्यों माना जाएगा? क्योंकि आपको कम से कम कितने सब्जेक्ट पास करने हैं, 5 सब्जेक्ट पास करना है। इसलिए ज्यादातर स्कूल अपनी जो मार्किंग स्कीम होती है, या फिर कह सकते हो कि स्कूल की जो रेपुटेशन होती है उसको बचाने के लिए ज्यादातर स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट को प्रोवाइड करवाया जाता है, और बच्चों से कहा जाता है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस एडिशनल सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। ओके, तो इस तरह अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा कितने आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं जो 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, 6 सब्जेक्ट आपके क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 सब्जेक्ट। ये क्या है? मैक्सिमम आपके। तो अभी मैंने क्या समझाया आपको? अभी मैंने आपको समझाया कि 11th क्लास में आपके 4 सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, 1 सब्जेक्ट आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। इस तरह आपके पास कम से कम 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि मिनिमम कहलाते हैं, यानी इतने सब्जेक्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा, इतने सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ 1 सब्जेक्ट आपका क्या होता है, एडिशनल होता है। इस तरह आपके पास मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं आपको वो कॉमन सब्जेक्ट बताऊंगा जो बच्चे ज्यादातर लेते हैं और स्कूल वाले खास तौर पर प्रोवाइड कराना पसंद करते हैं। इसमें अगर बात की जाए लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश में से, किसमें, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में से आप क्या कर सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। कई स्कूल वाले क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, पर ऐसा हर स्कूल के साथ नहीं होता। किसी स्कूल में आपको सिर्फ हिंदी मिलेगी तो इंग्लिश नहीं मिलेगी, अगर इंग्लिश मिलेगी आपको तो हिंदी नहीं मिलेगी। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कम से कम एक लैंग्वेज का होना इन कंपलसरी सब्जेक्ट में होना एक जरूरी है। इसके साथ साथ जो ज्यादातर बच्चे ऑप्ट करना पसंद करते हैं 8 सब्जेक्ट के अंदर, तो हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ साथ वो पोल साइंस लेना पसंद करते हैं। पॉलिटिकल साइंस लेना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ज्योग्राफी लेना भी पसंद करते हैं। क्या लेना पसंद करते हैं? ज्योग्राफी लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के साथ साथ वो हिस्ट्री के साथ साथ पोल के साथ साथ कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा कई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को भी आजकल ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा है। किसको दिया जाने लगा है? फिजिकल एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा है। ओके, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आजकल सोशियोलॉजी की भी डिमांड भी काफी ज्यादा हो चुकी है। किसकी डिमांड हो चुकी है? सोशियोलॉजी। इसके अलावा कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, लेकिन ज्यादातर जो कॉमन सब्जेक्ट हैं आपके, जो ज्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं, वो सब्जेक्ट आपके सामने हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और सोशियोलॉजी। इसे नोट कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सबसे बेटर होता है आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए। ओके, इसे नोट करें आप। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की, यानी उन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में यदि आपने हिस्ट्री लिया है, क्या लिया है, हिस्ट्री अगर आपने ली है तो इसके साथ आपको पोल साइंस जरूर लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पोल साइंस जरूर लेना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री ली है
तो इसके साथ साथ जो बेटर कॉम्बिनेशन माना जाता है वो पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। और अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो इसके साथ आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये तीन आपके कंपलसरी आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। हिस्ट्री पोल साइंस के साथ किसको ऑप्ट करना चाहिए? इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करना चाहिए। इसके साथ अगर बात की जाए, अगर आपने हिस्ट्री लिया है, तो पोल साइंस ऑब्वियसली सी बात है कि उसके साथ होगा, पोल साइंस होगा। ओके, पोल साइंस के साथ यदि आप एक अच्छे भूगोलवेत्ता बनना चाहते हैं, ज्योग्राफर्स बनना चाहते हैं, तो आपको इसके साथ क्या लेना चाहिए? ज्योग्राफी लेना चाहिए। ये वो कॉम्बिनेशन है दूसरा जो सबसे बेस्ट माना गया है। देन उसके बाद हिस्ट्री के साथ आप पोल साइंस को तो ऑब्वियसली सी बात है ऑप्ट कर रहे हो। इसके साथ आप अगर आप सोशल सर्विसेज करना चाहते हैं, एनजीओ वगैरह चलाना चाहते हैं, समाज सेवा करने का आपका ज्यादा मन है, तो आप ऐसी सिचुएशन में सोशियोलॉजी को भी ऑप्ट ऑप्ट कर सकते हैं। इससे समाज को समझने में आपको काफी हेल्प होगा। इस तरह से आपका जो तीसरा कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री के साथ क्या है? पोल साइंस, और पोल साइंस और सोशियोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि आपके पास हिस्ट्री और पोल साइंस का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए आर्ट्स के अंदर। देन उसके बाद आप कोई से भी तीन सब्जेक्ट जो है उनमें से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप ऑप्ट कर सकते हो। यानी हिस्ट्री और पोल के साथ आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हो, हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ ज्योग्राफी आप ऑप्ट कर सकते हो, हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ सोशियोलॉजी आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो चौथा आपका होगा, ध्यान रखिएगा, वो लैंग्वेज तो होगा ही आपका, ऑब्वियसली सी बात है। आप इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई सा भी एक ऑप्ट कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई सा भी एक ऑप्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ दोनों अगर रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो हो ही जाएंगे। इसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें तो कहा जाता है कि एडिशनल सब्जेक्ट में आप फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हो। जिन बच्चों का हेल्थ करियर, पीटी वगैरह, या फिर कह सकते हो कि स्कूल में उन्हें एक टीचर बनना है, स्पोर्ट्स टीचर बनना है, तो वो क्या कर सकते हैं? इस एडिशनल सब्जेक्ट को वो अपने साथ रख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन को। ओके, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कह सकते हो कि जो चित्रकारी जो होती है, पेंटिंग्स होती है, उनमें उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि एडिशनल में अपने साथ क्या रख सकते हैं? फाइन आर्ट्स को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? फाइन आर्ट्स को रख सकते हैं। यानी वो बच्चे जो पेंटिंग करने का शौक रखते हैं, ध्यान रखेगा, वो क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री पोल साइंस तो ले ही रहे हैं, ठीक है, इसके साथ वो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक ऑप्ट कर लेंगे, लैंग्वेज एक कोई एक ऑप्ट कर लेंगे। एडिशन की बात आएगी तो या तो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं या तो फाइन आर्ट्स ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये चीज रही। अगर आप जाते हैं कि आपको थोड़ा सा साइंस में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि उसका टच ना छूटे आपका आर्ट्स के अंदर, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? होम साइंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। किसको ऑप्ट कर सकते हैं? होम साइंस को। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो आपके ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑप्ट करना चाहिए आर्ट्स के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे तरह से समझ में आ गई कि जब आप 11th क्लास में सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हो, उस टाइम पर हमें किस किस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना है और किस सिचुएशन में
करना है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनको समझ में नहीं आया दोबारा आपको समझा देता हूँ क्लियरली कि आप हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ, क्योंकि आर्ट्स की जो वैल्यू है वो हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ ही स्टार्ट होती है, तो हिस्ट्री और पोल साइंस तो आप जरूर रखें। इसके साथ आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या सोशोलॉजी तीनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज आपका रहेगा, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक ऑप्ट कर लें या दोनों रख लें। एडिशनल की बात करें तो एडिशनल में आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, या तो फाइन आर्ट्स ले सकते हैं या होम साइंस ले सकते हैं, और क्यों लेंगे वो अभी आपको बताया है, तो इसे नोट कर लें आप सभी। अब आपको 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना क्या है आपको। इसके लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस एक तरह का आईना होता है जो ये बताता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जरा बात करते हैं 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की। बेसिकली 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन भारतीय संविधान की बात करता है, वहीं सेकंड सेक्शन राजनीतिक सिद्धांत की बात करता है। दोनों ही किताबों की वैल्यू इक्वल है और दोनों ही किताबों में 10-10 चैप्टर हैं। दोनों किताबों की बात की जाए तो दोनों किताबों से 40-40 नंबर की थ्योरी आने वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पेपर 80 नंबर का रहने वाला है। तो जरा हम बात करते हैं सिलेबस की। तो अभी मैंने आपको जैसा बताया कि 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को, यानी राजनीतिक विज्ञान को, किसको? राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान को दो सेक्शन में, यानी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है आपका, यानी फर्स्ट बुक जिसे आप लोग कहोगे, क्या कहोगे? फर्स्ट बुक, वो है भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ अगर सेकंड सेक्शन की बात करें, यानी भाग दो की बात करें हम, तो भाग दो को आप क्या कहोगे? सेकंड बुक कहोगे। भाग दो किसका है? राजनीतिक सिद्धांत की बात करता है। किसकी बात करता है? राजनीतिक सिद्धांत की बात करता है। मैंने जैसे बताया कि इन दोनों किताबों से बेसिकली 40-40 नंबर की थ्योरी आने वाली है। कितने नंबर की थ्योरी आने वाली है? 40-40 नंबर की थ्योरी आने वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका पेपर होगा उस थ्योरी का एक्चुअल में कितना होगा? 80 मार्क्स का होगा, और 20 जो मार्क्स होंगे आपके क्या होंगे? वो प्रैक्टिकल का होगा, वो प्रैक्टिकल का होगा। इसमें आपके 10 नंबर आपके असाइनमेंट के होंगे, जो आप असाइनमेंट बनाकर स्कूल में आप सबमिट करोगे। और इसके साथ अगर बात की जाए तो 10 नंबर किसके होंगे? वाइवा के आपके होंगे, जो ओरली बाहर से आकर लिया जाएगा, या स्कूल के अंदर आपकी खुद मैडम आपका ले लेगी टेस्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपके 20 नंबर जो है वो आपके एक्सटर्नल है, सॉरी इंटरनल है, और 80 नंबर आपका क्या है? एक्सटर्नल है। इसमें तो आप क्लियरली ले लोगे। सवाल उठता है कि इसमें हमें किस तरीके से मेहनत करनी होगी। ओके, तो जरा हम इसको देखते हैं कि जो ये चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में भी 10 चैप्टर हैं और राजनीतिक सिद्धांत में भी 10 चैप्टर हैं। तो जरा देखते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें कितने टोटल चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर जो हैं आपके, उनकी संख्या है 10। कितनी है? टोटल चैप्टर की संख्या है 10। इसमें अगर मैं बात करूं फर्स्ट 9 चैप्टर की और 10 चैप्टर की, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इनकी जो वैल्यू है, वेटेज है, इन तीनों को मिलाकर वो कितने नंबर का है? 10 नंबर का। यानी आपके पेपर में 10 मार्क्स के किससे आएंगे? फर्स्ट और 9 और 10th चैप्टर से आएंगे। वहीं अगर बात करें चैप्टर नंबर 2,
से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं? 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। बात की जाए चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ की, किसकी? चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ की। तो इससे कितने नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं? 8 नंबर के क्वेश्चन आपके, यानी मार्क्स सॉरी आपके कैरी करता है ये चैप्टर नंबर। आपका जो फिफ्थ और सिक्स्थ है ये भी 8 नंबर कैरी करता है, और चैप्टर नंबर जो आपका 7 और 8 है ये भी आपका 8 नंबर कैरी करता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इनकी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 40 हो गई। यानी अगर आप फर्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपको 40 नंबर गेट करने हैं। इसमें अगर देखा, नोटिस किया होगा आपने, तो इन सब में जो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर की है? चैप्टर नंबर सेकंड की, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की। और दूसरी तरफ देखा जाए तो चैप्टर नंबर थर्ड से लेकर चैप्टर नंबर एट तक सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी, यानी एक चैप्टर की वैल्यू कितनी है? 4 मार्क्स की है। यानी अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। और तीसरी तरफ अगर देखें तो फर्स्ट, नाइन्थ और टेंथ चैप्टर को मिलाकर कितने नंबर, कितने आपके मार्क्स कैरी कर रहे हैं? 10 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि फर्स्ट चैप्टर की, चैप्टर जो आपके फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर की वेटेज कितनी है। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की, इसमें भी टोटल आपके कितने चैप्टर हैं? इसमें भी टोटल आपके जो चैप्टर हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। तो अगर इसमें देखा जाए तो बेसिकली जो आपके हैं, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, इसके आपके कितने कैरी कर रहे हैं ये मार्क्स? 8 नंबर। चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूं थर्ड और फोर्थ की, ये भी 8 नंबर कैरी कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर आपके फिफ्थ और सिक्स्थ की बात कर रही, ये भी क्या कर रहे हैं? 8 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर आपके सेवन्थ और एट्थ की, ये भी 8 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर आपके नाइन्थ और टेंथ की, ये भी कितने नंबर आपके कैरी कर रहे हैं? 8 नंबर कैरी कर रहे हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट अगर सेकंड बुक की बात की जाए, राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए, तो हर चैप्टर की वैल्यू कितनी है? 4 की, यानी वेटेज। तो इसमें आप सभी चैप्टरों को फोकस करोगे। इसमें अगर खास तौर पर फोकस करना है, किस पे करना है? जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिला रहा है, चैप्टर नंबर सेकंड। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है और कितने नंबर के मार्क्स हमारे आने वाले हैं और पेपर कितने नंबर का रहने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि 11th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की किताब है उसको दो हिस्सों में बांटा गया, यानी दो भागों में बांटा गया। आपके पास दो किताबें होंगी, पहली किताब का नाम भारतीय संविधान होगा और दूसरी किताब का क्या नाम होगा? राजनीतिक सिद्धांत होगा। दोनों ही किताबों में आपको 10-10 चैप्टर मिलेंगे। कितने चैप्टर मिलेंगे? 10-10 चैप्टर मिलेंगे। अब बात किया हमने कि इन चैप्टर की वैल्यू कितनी है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, नाइन्थ और टेंथ के चैप्टर की वैल्यू है 10, चैप्टर नंबर सेकंड की 6 है, चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ की 8 है, चैप्टर नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ की 8 है, चैप्टर नंबर सेवन और एट की 8 है। इस तरह से हमने चैप्टर की वेटेज को देखा कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है पेपर के अंदर और कितनी नहीं रखता है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा सेकंड बुक की अगर बात की जाए, हर चैप्टर 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आप देख रहे हैं कि ये चीजें आपने करा, अब इसे नोट करें। आप नोट कर लिया होगा। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी समय आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और ऐसा नहीं है कि जब आपसे पूछा जाए तो आप चैप्टर का नाम मेंशन करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या करते हो, सीधा डायरेक्टली आप ये कहते हो कि जी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करता है, आपका एक तरह से टेस्ट लेने के लिए, छोटा मोटा आपका आईक्यू लेवल एक तरह से चेक करने के लिए क्या पूछ लेता है कि राजनीति विज्ञान का, राजनीति का मतलब क्या होता है। तो आप ये आंसर दो कि जी टीचर ने पढ़ाया नहीं था इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ चैप्टर की जानकारी है। ऐसा नहीं है, आपको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि
क्योंकि यही एक तरह से पहचान होती है कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे। तो बात करते हैं राजनीति की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि राजनीति का मतलब क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है? जी, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, राजनीति का मतलब क्या होता है। तो हम बात करते हैं अब राजनीति की। राजनीति, जेनी तौर पे आपने सुना होगा कि टीचर कहते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या है? क्वेश्चन में ही आंसर है। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि राजनीति का मतलब क्या होता है, तो आप मुझसे पूछने की बजाय किससे पूछ सकते हैं? राजनीति से पूछ सकते हैं। जरा पूछ कर देखिए। तो चलिए पूछते हैं। तो राजनीति से जब हमने पूछा कि राजनीति का क्या मतलब होता है, तो ये कहता है कि राजनीति यानी मैं दो शब्दों के मेल से बना हूँ। मैं दो शब्दों के मेल से बना हूँ। मेरा पहला जो शब्द है वो है राज। क्या मतलब है? राज। और दूसरा जो शब्द है वो है नीति। दूसरा शब्द कौन सा है? नीति। अब यहाँ राज का मतलब क्या है? शासन। यहाँ राज का मतलब क्या है? शासन। और नीति का मतलब क्या होता है? नियम या फिर कायदे या फिर कानून। इस तरह से देखा जाए तो ये क्या कहना चाहता है राजनीति? राजनीति ये कहना चाहता है कि राज करने की नीति को, शासन करने के नीति, नियम या कायदे कानून को हम राजनीति कहते हैं। तो यहाँ आपने क्या समझा? राजनीति क्लेरिफाई कर रहा कि राजनीति का मतलब होता है शासन करने की नीति। राजनीति का मतलब क्या होता है? शासन करने की नीति को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि राजनीति का मतलब क्या होता है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ सके। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि राजनीति का मतलब क्या होता है? तो राज और नीति दो शब्दों के मेल से राजनीति बना है। यहाँ राज का मतलब है शासन और नीति का मतलब क्या है? नियम, कायदे, कानून। इन तीनों में से कोई भी एक आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या तीनों ही इस्तेमाल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो राजनीति का मतलब क्या होता है? शासन करने की नीति, यानी शासन करने के लिए जिन नीतियों का, जिन नियमों का, जिन कानूनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? राजनीति कहा जाता है। आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब इसे नोट करें, आप नोट कर लिया होगा। तो अब आपको समझ में आया कि राजनीति का मतलब क्या होता है। लेकिन एक सवाल पूछने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या राजनीति किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है? क्या आप राजनीति को पहचान पाते हो? क्या कभी आपने किसी को ऐसा कहा है कि राजनीति इधर आइए, राजनीति कम है यार? किसी का नाम आपने सुना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी का नाम सुना है? नहीं सुना। लेकिन आपने ये सुना होगा कि राजनीति हर तरफ है, चारों तरफ है, आप राजनीति से घिरे हुए हैं। आप ये कहते हो कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप राजनीति कर रहे हो, तो लेकिन आपको पता नहीं होता। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अमिताभ बच्चन को आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन को 100 व्यक्तियों के बीच में अगर मैं मिला दूँ, तो अगर मैं कहता हूँ आप उस व्यक्ति को लेकर आइए, यानी अमिताभ बच्चन को लेकर आइए, तो क्या आप लेकर आ जाओगे? तो आप कहोगे जी भैया मैं बिल्कुल लेकर आ जाऊंगा। ऐसा क्यों आप कह सकते हो? क्योंकि आपको उसकी आइडेंटिटी है, वो कैसा दिखता है, कैसा है और कैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ध्यान रखें, राजनीति की, 100 व्यक्तियों के बीच में मिला दो, तो क्या आप उसे ढूंढ कर लेकर आ सकते हो? तो आप क्या कहोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा कहोगे? जी नहीं, आप ये कहोगे, ध्यान रखिएगा, कि भैया हम कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ना तो उसकी पहचान होती है, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन है, हम कैसे तय कर सकते हैं? क्योंकि ना ही तो वो किसी वस्तु का नाम है, ना ही किसी व्यक्ति का नाम है। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहता था वो यही है कि राजनीति की पहचान कैसे होती है। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? राजनीति की पहचान कैसे होती है? कैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर राजनीति हो रही है? क्योंकि आपने एक बड़े ही महापुरुष का नाम सुना होगा, जिन्हें आप सभी महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रपिता के नाम से आप जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि राजनीति जो है एक सांप की कुंडली की तरह है, जो आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। आप चाहे राजनीति करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन आप राजनीति कर रहे होते हो।
अब ऐसी स्थिति में आप कैसे पहचानोगे कि जो आपके आसपास, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य, आपके देश में जो चीजें हो रही है वो हर जगह राजनीति हो रही है, कैसे पहचानोगे? यही एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पहचान को अगर मैं बताऊं, ध्यान रखेगा तो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे इस चीज को? तो आपके लिए एक रामबाण शब्द दे रहा हूं, जहां ये चीज दिख जाए उसका मतलब समझ लेना कि वहां क्या है, राजनीति है। क्या है? राजनीति है। ये शब्द है संघर्ष। क्या है? संघर्ष। नोट कर लेना, ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, कि जहां संघर्ष होगा वहां राजनीति होगी, जहां संघर्ष होगा वहां राजनीति होगी, और जहां राजनीति होगी वहां संघर्ष होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें राजनीति को पहचानना है तो हमें किसको ढूंढना होगा? संघर्ष को ढूंढना होगा। अब यहाँ संघर्ष का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँ तो जनरली तौर पे ज्यादातर बच्चे 10 में से 8 बच्चे क्या कहेंगे? जी भैया, लड़ाई झगड़ा, या फिर कह सकते हो किसी को मारना धाड़ना, जो भी चीजें होती हैं उसे संघर्ष कहा जाता है। क्या इसी संघर्ष को आप राजनीति कहोगे? जी नहीं, इस संघर्ष को आप राजनीति नहीं कहोगे। यहाँ संघर्ष का मतलब क्या है? यहाँ संघर्ष का मतलब है, समझाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लियर है? अगर मैं कहूँ, मैं कुछ कहता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल, अभी लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और उस बात से आप सहमत नहीं हो, मैं कुछ कह रहा हूँ आप उस बात से सहमत नहीं हो, और आप भी कुछ कह रहे हो और मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, ऐसी स्थिति में हमारे बीच क्या होगा? हमारे बीच हो जाएगा मतभेद। लेकिन किस चीज का? हमारे बीच होगा विचारों का मतभेद, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो मानना है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, और जो आपका सोचना है, आपका जो मानना है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसी स्थिति में हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए कुछ हरकतें करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। उसी एक्टिविटी की वजह से हमारे बीच क्या होगा? एक मतभेद, या एक तरह से कह सकते हो हमारे बीच एक संघर्ष, एक तनाव की स्थिति पैदा होगी। उसी तनाव की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? संघर्ष कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ संघर्ष का मतलब क्या है? यहाँ संघर्ष का मतलब है विचारों का मतभेद। यहाँ संघर्ष का मतलब क्या है? विचारों का मतभेद। जहां विचारों का मतभेद होगा वहां अगर संघर्ष आपको दिखता है, तनाव की स्थिति उसकी वजह से, विचारों के मतभेद की वजह से अगर आपको तनाव की स्थिति दिखाई देती है, किसकी स्थिति? तनाव की। अब ये तनाव क्या होता है? आपने इंग्लिश में नाम सुना होगा, तनाव का मतलब स्ट्रेस होता है, दबाव लेना होता है, तंग हो जाना होता है, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो इसको क्लेरिफाई करते हैं। तो तनाव का मतलब एक तरह से टेंशन हो गया। तो जहां विचारों के मतभेद की वजह से आपको टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, तनाव की स्थिति आ जाए, और आप हाइपर होकर किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दें, या आप कह सकते हो कि लाउडली, ऊंची आवाज में उससे बातें करें, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करें, आप ही कहें कि भैया जो मैं हूँ, ईस्ट एंड वेस्ट, आई एम द बेस्ट, जब इस तरह की फिलॉसफी अगर हो, तो इसका मतलब आप समझिए कि वहां पर क्या हो रहा है? राजनीति हो रहा है। तो ये क्या है? पहचान। जहां आपने क्या समझा कि राजनीति की पहचान कैसे होती है, तो राजनीति की पहचान एक रामवर्ण शब्द से होती है, संघर्ष से। और संघर्ष का मतलब यहाँ क्या है? विचारों का मतभेद। अब विचारों के मतभेद का मतलब क्या है? तनाव की स्थिति का होना, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों से सहमत नहीं है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब आपसे मैं अगर कहूं कि राजनीति को पकड़ कर लेकर आइए, या पता लगाइए कि यहाँ पर राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप आराम से इजिली अब राजनीति को पहचान सकते हो और बता सकते हो कहाँ राजनीति हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। तो इसे नोट करें, नोट कर ले होगा। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की। बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे नाम से जाना जाता है संविधान क्यों और कैसे। किस नाम से जाना जाता है? संविधान क्यों और कैसे।
बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, मतलब पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं संविधान का मतलब क्या है, संविधान की जरूरत क्या है, संविधान कब और क्यों कैसे बना। ओके, तो हम बेसिकली इसकी बात करने वाले। क्या बात करने वाले, रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की। किसकी बात करेंगे, संविधान की। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसकी जरूरत, या फिर आप कह सकते हैं आवश्यकता। क्या है इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसके साथ हम बात करेंगे, इस चैप्टर में एक आपका सब टॉपिक दे रखा होगा प्रस्तावना, हम उसकी बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे स्रोत की। किसकी बात करेंगे, स्रोत की। तो बेसिकली इस क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं, संविधान को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी जरूरत को डिस्कस करने वाले हैं, उसका निर्माण कैसे है वो डिस्कस करने वाले हैं, उसकी प्रस्तावना की बात करने वाले हैं और उसके स्रोत की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, संविधान की। किसकी बात करते हैं, संविधान की। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि संविधान, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप मुझसे ना पूछकर आप किससे पूछ सकते हैं, संविधान से पूछ सकते हैं। तो जरा पूछते हैं हम लोग कि संविधान का मतलब क्या है। ओके, संविधान से जब हमने पूछा तो संविधान भी राजनीति तरह कह रहा है, यदि आप मुझे समझना चाहते हैं तो मुझे तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब मारना नहीं है, तोड़ने का मतलब है अलग करना। ओके, तो संविधान क्या कह रहा है, मैं भी दो शब्दों के मेल से बना हूं। मैं भी किससे बना हूं, दो शब्दों के मेल से बना हूं। यहां पहला मेरा शब्द है सम और दूसरा शब्द है विधान। ओके, पहला शब्द क्या है, सम, और दूसरा आपका शब्द क्या है, विधान। सम का यहां मतलब क्या है, समान, और विधान का मतलब क्या है, कानून। ओके, तो बेसिकली संविधान क्या कहता है, संविधान का यहां मतलब हो गया समान कानून को ही हम लोग क्या कहते हैं, समान कानून को ही संविधान कहा जाता है। आप कहोगे भैया हमने तो कुछ और पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि संविधान लिखित नियमों कायदे कानूनों का एक दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। आपने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि जो संविधान होता है वो दो रूपों में पाया जाता है, दो स्वरूपों में पाया जाता है। या तो आपका जो संविधान होगा यानी आपका जो नियम कायदे कानूनों की जो किताब होगी वो या तो लिखित रूप में होगी या तो अलिखित रूप में होगी। और जो देश आपका विविधतापूर्ण होता है उस देश में आपको ज्यादातर लिखित रूप में संविधान देखने को मिलते हैं। जैसे भारत जैसे देश में जो संविधान है वो कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। ओके, तो यहाँ आपको मतलब समझ में आया कि संविधान का मतलब क्या होता है, समान कानून को ही हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ओके, अब इसे नोट करें, इसके बाद हम आगे के टॉपिक की बात करते हैं। नोट कर लिया होगा, अब बात करते हैं आगे की। अभी आपने समझा कि संविधान का मतलब क्या होता है, अभी आपने क्या समझा कि संविधान का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी देशों में संविधान है, तो आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे जी हाँ भैया सभी देशों में संविधान है। पक्का, नोट कर लूं मैं। चलिए देखते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं भारत में क्या संविधान है, क्या भारत में संविधान है। चलिए आपने कहा कि जी हाँ है। क्या चीन में संविधान है, क्या चीन में संविधान है, तो आप भी कह रहे हो जी हाँ है। क्या पाकिस्तान में संविधान है, तो आप क्या कह रहे हो जी हाँ बिल्कुल है। अब आपने क्या कहा, आपने ये कहा जब मैंने आपसे पूछा
संविधान बेसिकली क्या होता है, नियम कायदे कानूनों की एक किताब होती है जो हर देश में पाई जाती है। तो आपने कहा कि भारत में भी संविधान है, चीन में भी संविधान है और पाकिस्तान में भी संविधान है, लेकिन क्या ऐसा है जो आप कह रहे हो सभी लोग मान लेंगे? यहां पर एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या समझाया, संविधान का मतलब क्या होता है? समान कानून। क्या मतलब होता है? समान कानून। शायद आप मेरा मतलब नहीं समझे। समान कानून का मतलब क्या होता है? आपको शायद इंग्लिश में समझ में आता हो, अब आपको समझ में आ रहा हो, इक्वल लॉ। समान कानून का यहां मतलब है, समान कानून का यहां मतलब है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे कोई लेन देन नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कुछ भी काम करता है या कोई भी गलत काम करता है, यदि किसी ने मर्डर कर दिया, मान लीजिए मैंने मर्डर करा और इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति ने यानी अनिल अंबानी ने मर्डर कर दिया, तो दोनों को जो पनिशमेंट मिलेगी वो सेम मिलेगी। इसका मतलब होता है समान कानून, यानी कानून की नजर में सभी क्या है, इक्वल है। इसके नजर में कोई भी काला गोरा, अमीर गरीब, ठीक है, इस तरह की चीज नहीं है, यानी ना ही किसी तरह के भेदभाव होगा। संविधान इसे ही कहा जाता है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन जरा हम देखते हैं, क्या संविधान भारत में है? तो आपने कहा जी हाँ है, मैं भी उस चीज को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि इस देश के राष्ट्रपति ने अगर कोई मर्डर किया, इस देश के राष्ट्रपति ने अगर किसी का मर्डर किया और मैंने मर्डर किया, यानी आपके टीचर ने, मैंने ही मर्डर किया, क्या दोनों के लिए सजा एक जैसी होगी? क्या दोनों के लिए सजा एक जैसी होगी? तो आपका कहना होगा जी हाँ भैया, दोनों को ही क्या मिलेगी, 302 के तहत फांसी सजा मिलेगी अगर प्रूफ हो जाता है तो। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस देश में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन सब के लिए एक जैसा कानून है। तो इस देश में चलिए संविधान है, इस चीज को आपने मान लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, मैं बात करूं कि चीन में क्या संविधान है? क्या आपको लगता है चीन में संविधान है? वहां पे चीन में संविधान तो है, लेकिन क्या सबके लिए समान है? तो आपका आंसर क्या होगा, ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जिस देश में समान कानून होता है वहां पे संविधान सर्वोच्च होता है। याद रखिएगा, एक आपको इंडिकेटर दे रहा हूं, संविधान जहां सर्वोच्च होगा। अब यहाँ सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च का मतलब होता है फर्स्ट प्लेस पर, यानी जिस देश में संविधान फर्स्ट प्लेस पर होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको संविधान देखने को मिलेगा, अदरवाइज वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चीन के अंदर ये क्या है, सेकंड नंबर पे है। पाकिस्तान में क्या है, सेकंड नंबर पे है। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर सभी व्यक्ति समान नहीं है। कि अब एक तरह से कहा जाए, भैया जब उन देशों के अंदर वो खुद कह रहे हैं संविधान है, तो फिर हम उन उन संविधानों क्या नाम दें? बस आप कह सकते हैं नियम कायदे कानूनों की किताब है, लेकिन उसे संविधान बिल्कुल नहीं कह सकते। कि संविधान क्या का मतलब अभी समझा है, समान कानून, यानी जिस देश में इक्वल लॉ हो वहीं पर आपको संविधान देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं किस देश में संविधान है और किस देश में नहीं है। ओके, तो इसे नोट करें, नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो इस चैप्टर में डिस्कस में करने वाला हूँ, वो है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। उससे पहले मैं एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं आपको दो शहर बता रहा हूँ, आपको दो शहर बता रहा हूँ। पहला शहर है दिल्ली और दूसरा शहर है आपका मुंबई। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो आपका जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए, यानी जो बेसिक नीड्स आपको चाहिए, क्या चाहिए, बेसिक नीड्स जो चाहिए, जरूरत की सभी जो चीजें चाहिए,
वो दिल्ली के अंदर मौजूद है, दिल्ली के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर मैं मुंबई की बात करूं तो यहाँ जीवन जीने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई नियम कायदे कानून है, ना कोई सरकार है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल है। मतलब एक तरह से जो फैसिलिटीज हमें चाहिए वहाँ रहने के लिए, वो सभी चीजें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो दिल्ली के अंदर अब ये सभी चीजें हैं। तो आपसे मैं क्वेश्चन जब पूछना चाहूँ कि आप किस शहर में रहना चाहेंगे, तो ज्यादातर बच्चे जो होंगे, जो समझदार होंगे, वो क्या कहेंगे, मैं दिल्ली के अंदर रहना चाहूंगा। लेकिन जो चाहते हैं कि भैया मैं एक आदिवासी की तरह जिंदगी जीऊं, खाना पीना एक तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की जो एक मेंटेलिटी रखने वाले बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे, भैया मैं तो मुंबई में रहना चाहूंगा। तो चलिए उनकी बात छोड़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि अभी आपने चूज किया इसको, करा दिल्ली को, आपने ऑप्ट किया। अब सबसे बड़ा सवाल जो है, आपने क्यों किया? तो आपका सीधा रीजन होगा कि भैया वहाँ जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हमें चाहिए, वो सभी चीजें वहाँ अवेलेबल होगी। ओके, अब ये चीजें कब अवेलेबल होगी, जब वहां पर एक जैसा कानून होगा। तो संविधान क्या करता है, इस बेसिक नीड्स को प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी जिस इलाके में संविधान होगा वहां पर मुंबई जैसे हालात नहीं होंगे। क्या समझाया अभी मैंने आपको, कि जिस इलाके में संविधान होगा, जिस देश में संविधान होगा, मुंबई जैसे हालात नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली जैसे हालात होंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो संविधान का पहला जो बड़ा काम है वो क्या है, तालमेल बढ़ाना है। पहला और बड़ा काम क्या है, तालमेल बढ़ाना। तालमेल का मतलब क्या होता है, तालमेल का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर चलना। अब अगर मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, आपको मालूम है कि आप जिस देश में रहते हैं उसे भारत कहा जाता है, और भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यानी यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, मजहब के लोग रहते हैं। उन सब की इच्छाएं, उनके सपने, उनके सोचने का तरीका, उनका रहने सहने का जो तरीका होगा, वो लगभग एक जैसा ना होकर अलग अलग होगा। अब ऐसी स्थिति में इन सबको साथ लेकर चलना एक इम्पॉसिबल है। क्या आप सबके सपने पूरे कर सकते हो, क्या सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन संविधान कोशिश करता है कि सबको साथ लेकर चला जाए, उनकी जो बेसिक नीड्स है, उनकी जो जरूरतें हैं, जो उनको चाहिए, वो प्रोवाइड कराकर उन सबको एहसास दिलाया जाए कि आप सभी एक हैं और आप सब एक साथ अपना विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो तालमेल का मतलब क्या होता है, सबको साथ लेकर चलना। ओके, समझ में आ गया आपको। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है शक्तियों का बंटवारा। सबसे बड़ा काम जो है शक्तियों का बंटवारा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि शक्तियों के बंटवारे का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं आपको कहाँ पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, तो मैं क्या करता हूँ कि भैया मुझे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, तो मैं दो बच्चे लेता हूँ, आप में से ही दो बच्चे ले लिए, और मैंने कहा ऐसा करो इसको ब्लैक कर दो, यानी ब्लैक पेंट करके इसे ब्लैक बोर्ड तैयार हो जाएगा। दो बच्चों को मैंने काम पे लगा दिया। अब होता क्या, कुछ समय के लिए मैं बाहर चला जाता हूँ। अब कुछ समय के बाद जब मैं आऊंगा तो हालात कुछ और होंगे। इसमें से एक जो बच्चा होगा, मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है, ए ने क्या करा, ईमानदारी से वो काम कर रहा था। यानी काम करने का मतलब हो गया कि व्हाइट बोर्ड को ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर रहा था, और ज्यादातर हिस्से में उसने पेंट कर दिया था। लेकिन जो बी बच्चा था वो थोड़ा बदमाश और शरारती भी था और चालाक भी था। वो क्या करता है, जैसे ही मैं निकलता हूँ अपना मोबाइल लेता है और गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि भैया आने वाले हैं, वो तुरंत क्या करता है, उस बच्चे को ए को धक्का देकर जो ए की साइड था वहां पर खड़ा हो जाता है, और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ही पेंट कर रहा हूँ। और जो ए होता है वो क्या होता है, बी जिसने अभी थोड़ा बहुत पेंट किया था वहां पर खड़ा हो जाता है। अब उसके बाद जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला होता हूँ, उससे पहले ही वो बच्चा बोलता है कि भैया देखिए अच्छा काम कर रहा हूँ ना, ताकि मैं शाबाशी दे सकूँ। लेकिन अभी ए क्या कहता है कि भैया पेंट मैंने किया था। और भी अब यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। मैं कैसे डिसाइड करूं कि किसने अच्छा काम किया और किसने बुरा काम किया, मतलब जिसने काम किया है और किसने काम नहीं किया है।
एक बड़ा सवाल है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मैं मौजूद नहीं था। इस वजह से क्या हो जाएगा, उन दोनों बच्चों के बीच में मतभेद हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो। तो जब मैंने दोबारा व्हाइट बोर्ड करने की सोची, तो मैंने क्या करा, इस बार मैं क्या करा, बोर्ड जो ऐसा है उसको दो हिस्सों में बांट दिया। दो हिस्सों में मतलब क्या हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या होगा, ये हिस्सा ए को दे दिया और ये हिस्सा बी को दे दिया। अब मुझे क्लेरिफाई मालूम चल जाएगा कि किसने पेंट किया और किसने पेंट नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि संविधान भी क्या करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा कई बार आपने नोटिस किया होगा कि सरकार इस देश में जो होती है, वो सरकार देश को चलाने के लिए होती है, तो कई बार आप देखते हैं कि उन सरकारों कामों से आपको नुकसान होता है। लेकिन भारत जैसे देश के अंदर आप देखते हो कि क्या ये चीजें होती है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, शक्तियों की लगाम लगाई गई, यानी सीमित शक्तियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं, सीमित शक्तियां। अब सीमित शक्तियों का मतलब क्या होता है कि सरकार जो भारत सरकार है उसको ये कहा गया है, संविधान ये कहता है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आम व्यक्ति को कोई परेशानी हो, उसके अधिकारों का नुकसान हो। इसी को हम लोग कहते हैं सीमित शक्तियों कहते हैं। इसके अलावा एक और काम जो संविधान करता है वो क्या है, आपको पहचान देना। क्या देना, एक पहचान देना, यानी आप क्या हो बेसिकली। भारत में रहते तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह, मैं यहाँ से हूँ, वहां से हूँ, पंजाब से हूँ, इस तरह की चीजें आप कहते हो। लेकिन अगर जनरली तौर पे आपकी एक बड़ी आइडेंटिटी देखी जाए जिससे आपकी पहचान है, वो पहचान देता कौन है, आपको संविधान देता है। आपको वो बताता है कि आप क्या हो, भारतीय हो, यानी हम सब क्या है, भारतीय हैं। ये क्या है, एक पहचान जो भारतीय संविधान के द्वारा दिया जाता है। यानी इसका मतलब आप समझ सकते हो कि संविधान की वैल्यू अभी थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया है, जहां आपको ये समझाने की कोशिश की है कि संविधान की वैल्यू क्यों है, संविधान हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की जरूरत क्या है, संविधान के कार्य क्या है। किसी तरह का भी किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एक ही आंसर लिखना है जो आपको अभी बोर्ड पे लिखवाया है। तो आपको अब समझ में आ गया कि संविधान की जरूरत क्या है। संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है, शक्तियों का बंटवारा करता है, सीमित शक्तियां देता है, जिससे जो शक्तियों का दुरुपयोग है उससे रोका जा सके। इसके साथ आपको एक पहचान देता है। तो ये संविधान के कुछ काम हैं और कुछ इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से आप संविधान की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो नोट करें, इसे नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने एक नए टॉपिक की, संविधान निर्माण की। संविधान निर्माण की, संविधान निर्माण की बात करने से पहले आपको निर्माण बेसिकली कौन करेगा, यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कौन। तो आपको आना, संविधान कई व्यक्ति निर्माण करते हैं, संविधान कई व्यक्ति निर्माण करते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि आपका जो संविधान है, यानी आपके भाग्य का जो फैसला है, कोई राजा करे, क्या करे, राजा करे, तो क्या उस व्यक्ति से अपना संविधान बनाना चाहोगे? तो आप सभी में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे जी नहीं भैया, क्योंकि राजा बनाएगा तो राजा क्या करेगा, अपने ही फायदे के नियम कायदे कानून उसमें रखेगा, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए आप राजा से अपना संविधान बनवाना नहीं चाहोगे। बात करते हैं आर्मी से, यानी सेना से। क्या आप सेना से अपना संविधान, अपने भाग्य का के नियम कायदे कानूनों का निर्माण करवाना चाहोगे? तो छोड़ते ही आपका आंसर क्या होगा, नहीं भैया, क्योंकि सेना जहाँ होगी वहां तो डिसिप्लिन ऑब्वियसली सी बात होगा, लेकिन क्या आप डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओगे? क्योंकि ये जो डिसिप्लिन होते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, बल्कि स्ट्रिक्ट होते हैं, करना है तो करना है। तो इस तरह से आप सेना के द्वारा बनाए हुए को नहीं कर सकते। अब बात करें कुलीन की। कुलीन का मतलब क्या होता है, अमीर लोगों का समूह। क्या आप इनके द्वारा भी बनाए संविधान को मानना चाहोगे? तो आपका आंसर क्या होगा, जी नहीं भैया, क्योंकि जब अमीर संविधान बनाएंगे ऑब्वियसली सी बात है उसमें अपना प्रॉफिट तो जरूर देखेंगे। क्या सबकी इच्छाओं को वो ध्यान रखेंगे?
बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या है, यहाँ पर भी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि संविधान आप किससे बनवाना पसंद करोगे। तो मैं अगर कहूँ कि आप किस संविधान को बेहतर पसंद करोगे, तो मैं अगर कहूँ कि म्यूचुअल डिस्कशन से अगर कोई संविधान बनाओ, और म्यूचुअल डिस्कशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जनता। तो जनता के द्वारा जो संविधान बना होगा, क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? तो जी हाँ। तो अभी आपने देखा कि संविधान का निर्माण कौन कौन कर सकता है। तो संविधान का निर्माण राजा, सेना, कुलीन या जनता, इन सब कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर संविधान कौन बना सकता है? जनता। अब यहाँ पर सवाल है कि भैया हमें समझ में आ गया कि संविधान का निर्माण कौन करेगा, हमारी जनता करेगी, क्योंकि सभी लोगों का पार्टिसिपेट होना जरूरी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल डिस्कशन का रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर बात कीजिए जनता, तो क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विशाल का देश में इतनी बड़ी जो आबादी है, वो एक साथ मिलकर अपने लिए नियम कायदे कानूनों का निर्माण कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या चुना, जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, वो क्या करेंगे, वो उनकी बात रखेंगे और उनके आधार पर ही संविधान का निर्माण होगा। तो इस तरीके से जनता ही निर्माण करेगी, लेकिन यहाँ पर कौन निर्माण करेगा, उनके प्रतिनिधि निर्माण करेंगे। और इन प्रतिनिधियों के समूह जहाँ ये बैठेंगे, उसे क्या कहा गया, संविधान सभा कहा गया। तो संविधान का निर्माण भारत में किसने किया था, संविधान सभा ने। किसने किया था, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने किया था। ओके, अब इस असेंबली में क्या था, इस असेंबली में आपके 389 सीट थे, यानी कितने लोग इस संविधान सभा में बैठ सकते थे, कितने लोग इस संविधान सभा में बैठ सकते थे, तो सिर्फ 389 आपके सदस्य ही बैठ सकते थे। अब सवाल उठता है कि ये आएंगे कहाँ से, क्योंकि जो हमें संविधान के निर्माण करने की बात कही थी कि इसमें सभी लोगों का ख्याल रखा जाएगा, ताकि सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर सकें। इसलिए देश के सभी इलाकों से, सभी जितने कोने थे वहां से आने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम समझें, तो उस समय का जो भारत था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो वो क्या था, एक ब्रिटिश भारत था। कौन सा भारत था, ब्रिटिश भारत, जो कि तीन हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा जिस पर अंग्रेज सीधा शासन कर रहे थे, वो क्या कहला रहा था, ब्रिटिश प्रांत कहला रहा था। क्या कहला रहा था, ब्रिटिश प्रांत। दूसरे इलाके जहां पर राजा शासन कर रहे थे, देसी रियासत कहला रहा था। ओके, और तीसरा जो आपका था, उसे क्या आ जाता, गवर्नर प्रांत। क्या कहा जा रहा था, गवर्नर प्रांत। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ये 389 सदस्य थे, इनमें से 292 यानी 292 जो सदस्य थे, वो कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से। समझ में आया, 292 जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से। 93 जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, देसी रियासत से आएंगे। और जो चार होंगे लास्ट, वो कहाँ से आएंगे, गवर्नर प्रांत से आएंगे। इस तरह से एक संविधान सभा का निर्माण हुआ, और इस संविधान सभा ने क्या करा, संविधान का निर्माण किया। और कहा क्या जाता है कि संविधान का निर्माण जो है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल था कि इसे जब बनकर तैयार हो गया तो दुनिया को बता देना चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो भैया नर्स पहले डिक्लेयर कर देती है। तो सेम ऐसे, लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया को कब मालूम चला, 26 जनवरी 1950 को। कब मालूम चला, 1950 को। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में अब घर कर गया होगा और आपके दिमाग में आ भी रहा होगा, आखिर भैया क्यों, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का मतलब क्या बनता है, इतना लेट करने की हमें जरूरत ही क्यों थी? ओके, तो इसे नोट करें, फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नोट कर लिया होगा। अब जो क्वेश्चन था वो क्या था कि 26 नवंबर 1949 को जब
भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका है, तो उसे 26 जैन को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ही क्यों थी? ओके, बनकर कब तैयार हुआ, इस टाइम पे लागू कब हुआ? ये इस दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं गणतंत्र के रूप में। किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो हमें जो आज़ादी मिली वो वास्तविक तौर पे इसी दिन मिली। आज़ादी हमें मिली थी 1947 में, इससे पहले। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअल में हमें आज़ादी कब मिली? 1950 में, क्योंकि इससे पहले तक अंग्रेज भारत के अंदर मौजूद थे। इसके बाद ही अंग्रेजों की वैल्यू एक तरह से खत्म हुई। अब बात करते हैं क्यों, आखिर क्या वजह थी इसके पीछे। सबसे बड़ी वजह थी कि इस दिन को ऐतिहासिक दिवस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक दिवस, यानी इसको हम एक हिस्टोरिकल डे मानते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसी दिन लागू हुआ था। इसके अलावा इसी दिन अध्यक्ष के तौर पे आपके चच्चा को, किसको? आपके चच्चा को, आपके चच्चा को चुना गया था। अब ये चच्चा कौन है भैया? चच्चा है आपके जवाहरलाल नेहरू। ओके, और बात की जाए, ध्यान रखिएगा, इसी दिन क्या था, हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो उस दिन के ऐतिहासिक दिवस होने की वजह से, अध्यक्ष चुने जाने की वजह से, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की वजह से, इस दिन को याद रखने के लिए, इस दिन को याद रखने के लिए हमने क्या करा कि 26 जनवरी 1950 को क्या करा था, अपना संविधान लागू किया था। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि आखिर क्यों 26 नवंबर 1949 को बना हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। किसकी बात करते हैं? प्रस्तावना की। प्रस्तावना का मतलब समझाने से पहले आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा के द्वारा। तो उसमें जो सदस्य बैठे हुए थे, ऑब्वियसली सी बात है कि वो सोच रहे होंगे कि आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो कैसा होगा, उसका एक सपना देख रहे थे कि किस तरह के संविधान, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके भी कुछ सपने होते हैं कि आप चाहते हैं कि भैया मेरे पास एक बड़ा बंगला हो, कार हो, ऐसो आराम हो, एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी लाइफ हो, इस तरह के आपके सपने होते हैं। ओके, सेम ऐसे संविधान सभा के सदस्यों का भी एक सपना था कि हमारे संविधान का निर्माण इस तरह से होना चाहिए। तो इस सपने की जो झलक है कि हमारा आने वाला भारत कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, वो कौन दिखा रहा है? वो प्रस्तावना। तो क्या मैं प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आईना कह सकता हूँ? क्या मैं प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आईना कह सकता हूँ? तो जी हाँ, ये इस तरह से अगर देखा जाए तो आईना का मतलब एक तरह से ये समरी हो गया, यानी संक्षिप्त संविधान हो गया। क्या हो गया? संक्षिप्त संविधान। इसका मतलब ये क्या हो गया? यदि आपको मैं पूछूं कि एक मोटी किताब दूं आपको जिसे भारतीय संविधान कहा जा रहा, और एक पतली आपको किताब दूं जो कि प्रस्तावना के नाम से जानी जाती है, और मैं कहूं कि इस किताब को पढ़ते हो तो आपको मान चलता है कि संविधान में क्या और क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं इस किताब को भी पढ़ने से आपको मान चल जाएगा कि इस भारतीय संविधान में क्या है क्या नहीं है, तो आप कौन सा ऑप्ट करना चाहोगे, आप कौन सी किताब लेना चाहोगे? तो ज्यादातर बच्चे 10 में से 8 कहेंगे जी भैया हम प्रस्तावना को लेना चाहेंगे। हमें मालूम ही तो करना है कि भारतीय संविधान में और क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली प्रस्तावना क्या करता है, ये बताता है कि भारतीय संविधान में क्या है और क्या नहीं है, आने वाला जो भारत होगा वो कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। एक तरह से कह सकते हो संविधान सभा के लोगों का जो सपना था, उस सपने का एक तरह से आईना था ये प्रस्तावना। ओके, तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना का मतलब यहाँ क्या है। अब बात करते हैं हम लोग स्रोत की। किसकी बात करते हैं? स्रोत की। जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारे पास दो चीजें नहीं थी, एक तो समय और स्थिति हमारे हाथ में
नहीं थी। ओके, अब ऐसी स्थिति में जब हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हम ये नहीं चाहते थे कि हम एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास समय नहीं था। इसलिए हमने क्या करा, अपने अतीत से सीख ली। किससे सीख लिया? अतीत से। अतीत से सीख लेने का मतलब क्या है? यहाँ मतलब है कि अगर आप अतीत से सीख लेते हैं तो आप कालिदास के बाप नहीं कहलाओगे। क्यों नहीं कहलाओगे? कालिदास के बारे में आपने अच्छी तरह सुना है कि जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को वो काट रहा था, तो इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति को और कौन होगा। सेम ऐसे जो चीज हो चुकी है उसी को दोबारा करने का क्या मतलब है? आप एक तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो एक तरह से आपको लोग क्या कहेंगे, मूर्ख ही कहेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल था कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, तो हमने क्या करा, दूसरे देशों के जो अनुभव थे, उनके सीख थे, जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके जो हालात थे, हमने अपने हालात से कंपैरिजन किया, तुलना किया, और उस तुलना के आधार पर हमने देखा कि ज्यादातर देश जो है लगभग एक जैसी स्थिति में। हमारे देश में भी धर्म जाति नाम के आधार पर भेदभाव है, अफ्रीका के अंदर भी है, हमारे यहाँ पे भी सोसाइटी डिवीजन है जहाँ कुछ लोगों को अछूत वगैरह माना जा रहा है, फ्रांस के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। इस तरह से हमने क्या करा, अलग अलग देशों के जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करा, उनके एक्सपेरिमेंट, उनके अनुभव, उनके जो सीख है उनको जानना स्टार्ट किया, तो हमें देखने को मिला कि लगभग हमें हमें जो चीज चाहिए वो बाकी देशों के संविधानों में है। तो हमने क्या करा, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति के अनुसार हमने अपने हालात के अनुसार क्या करा, उन देशों के जो प्रावधान थे, नियम कायदे कानून थे, उन सबको एडॉप्ट कर लिया। अब जहां से एडॉप्ट करा वो क्या कहलाया, सोर्स कहलाया। तो कई बार भारतीय संविधान के ऊपर आरोप लग जाता है, क्या लग जाता है, कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, पर ऐसा नहीं है। यानी इसे हमने उधार में नहीं लिया, हमने अपनी परिस्थिति और स्थिति को देखकर प्रावधान लिए हैं। क्योंकि एक चीज आपको बताना चाहूंगा, उधार यहाँ पर मतलब क्या है, एक तरह से नकल आप कह रहे हो। क्या कह रहे हो? नकल। अब नकल का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से आपको मालूम है। फर्स्ट टू आप 10th तक आ चुके हो, ध्यान रखिए, और ऑब्वियसली सी बात है कभी ना कभी आपने नकल तो किया ही होगा, नहीं भी किया बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं नकल की। नकल का मतलब क्या होता है, डिट्टो एक तरह से कॉपी, यानी जो इस किताब के अंदर, इस कॉपी के अंदर लिखा है वही चीज अगर दूसरी कॉपी में एज इट इज मिल जाए विदाउट एनी चेंज, तो उसका मतलब क्या, वो नकल है। लेकिन अगर मैं आपको भारतीय संविधान दूँ और मैं कहूं कि ये लीजिए अमेरिका का संविधान और ये भारत का संविधान, बता दीजिए दोनों एक एक हैं, तो हल्का हल्का मैच तो होता ही है। इसलिए हम इसे उधार के थैला, ये नकल का संविधान नहीं कहते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि स्रोत का यहाँ मतलब क्या है। स्रोत का मतलब है दूसरे देशों से लिए गए प्रावधान, जिन देशों से लिया गया वो क्या है, स्रोत है। अब ये कई सारे हैं। ओके, तो ये थी आपकी एक तरह से क्लास जहां आपने ये समझने की कोशिश की। अब जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आपने इस क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने इस क्लास में सबसे पहले संविधान का मतलब समझा, उसके बाद आपको क्या समझाया गया, संविधान की जरूरत क्या है, इसके साथ साथ हमने संविधान की प्रस्तावना की बात की और स्रोत की भी बात की। इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको जो चीजें समझाने की कोशिश की गई है वो आपको समझ में आई है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे और भी क्लियरिफिकेशन के साथ। जब तक अपनी स्टडी पर ध्यान दें, और इसके साथ कुछ और चीज़ें जिनका ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन जो आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि भैया हम थ्योरी को कैसे पढ़ें, जब भी थ्योरी पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो याद रखेगा एक चीज़, दो चीजें वैसे बताना चाहूंगा मैं आपको। एक चीज फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली कि यदि आप किसी को टाइम देते हो तो ऑब्वियसली सी बात है दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना आए। यदि आप टाइम देते हो तो आपको जरूर आएगी। ओके, इसके साथ साथ दूसरी जो चीज है वो क्या है कि रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। क्या रहना पड़ेगा? रेगुलर। मतलब अब मैं आपको समझा देता हूँ कि थियोरी को पढ़ना कैसे है। नोट कर लिया हो इसे आपने? एक तो आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेगुलर। रेगुलर के साथ साथ आपको टाइम देना है। क्या देना है? टाइम। और जब आप पढ़ रहे हो तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें, रिवीजन के साथ एडिशन।
रिवीजन के साथ क्या करना है आपको, एडिशन पे ध्यान देना है। अब ये रिवीजन और एडिशन क्या है, ये तो मतलब समझ में आ गया कि भैया हमें हर दिन पढ़ाई करनी है, एक फिक्स टाइम आप डिसाइड कर लो, 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, डिसाइड कर लो। इसके साथ रिवीजन के साथ एडिशन, इसका मतलब क्या है, आज जो चीज़ आपने पढ़ी फिर अगले दिन आप एक कोई एक नई चीज़ पढ़ोगे, तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसको भूल जाओगे, आप क्या करोगे, इसको पढ़ने के बाद इसका रिवीजन करोगे कि आपने कल क्या पढ़ा था। इस तरीके से क्या होगा, आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, कल आप फिर दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे तो उस दिन आपके पास कितने चैप्टर हो जाएंगे, 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे दिन आप कोई नया चैप्टर पढ़ोगे। तो इस तरह से आप क्या करोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो इस तरह से आप आगे की भी पढ़ते रहोगे और पीछे का भूलोगे भी नहीं। ओके, तो इस तरह से आपको अपनी थ्योरी की जो स्टडी है वो आपको करनी है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो 100% गारंटी है कि आप कुछ भी भूलोगे नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।